हाय, मैं हूँ सरिता। आज की शुरुआत एक गेम से करते हैं। मेरे पास दो सिरिंज हैं, एक 50 ml की और एक 2 ml की। इन दोनों को हमने प्लास्टिक के पाइप से कनेक्ट किया हुआ है और फिर पानी से भर दिया। पानी भरते समय ये ध्यान रखें कि एयर बबल्स ना आए, और पानी अच्छे से दिख सके इसके लिए हमने यहाँ पे कलर पानी का यूज़ किया है। तो चलिए खेल चालू करते हैं। इसके लिए हम हमारी वॉलंटियर मेघना को बुलाते हैं। ये छोटी वाली सिरिंज मेघना के पास है और बड़ी वाली सिरिंज मेरे पास है। हम दोनों अपनी अपनी सिरिंज को दबाएंगे और जो दबा देगा वो जीत जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? हमने देखा कि मेघना ने बड़े आराम से सिर्फ अंगूठे का फोर्स लगाकर ही मुझे हरा दिया, और मैं अपना पूरा जोर लगाकर भी मेघना को नहीं हरा पाई। तो साइंस ने ऐसा क्या किया कि मेरा बड़ा होना और मेरे पास बड़ी सिरिंज का होना भी काम नहीं आया? तो चलिए इसको समझते हैं। दोनों सिरिंज और इस पाइप में प्रेशर बराबर है, लेकिन छोटी सिरिंज का एरिया कम है और बड़ी सिरिंज का एरिया ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो इधर अगर एरिया ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। छोटी सिरिंज से लगाया गया थोड़ा सा फोर्स इस तरफ ज़्यादा हो जाता है, और यही मशीन की डेफिनेशन भी है जो बाबा रणछोड़ दास बता गए। हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान कर दे वो मशीन है सर। इनपुट कम लगा और इधर आउटपुट ज़्यादा मिला, हमारा काम आसान हो गया, मशीन है सर। इनपुट और आउटपुट फोर्स के रेशियो को मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? हमें यहाँ पर दोनों सिरिंज का वॉल्यूम पता है, एक 50 ml की है, दूसरी 2 ml की। तो इनके वॉल्यूम का रेशो तो 50/2 यानी 25 होगा। तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज भी 25 होगा? नहीं, हमने देखा था कि फोर्स एरिया पर निर्भर करता है, ना कि वॉल्यूम पर। तो हम वॉल्यूम के रेशो से एरिया का रेशो निकालेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर डबल कर दें तो उसका एरिया 4 गुना हो जाता है और वॉल्यूम 8 गुना। अब इस केस में हमें यह देखना है कि वॉल्यूम को अगर 25 गुना करना है तो साइज को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो होगा 25^1/3, जो कि 2.9 आता है, यानी कि लगभग 3। इस बड़ी वाली सिरिंज का साइज इस छोटी वाली से 3 गुना है। अब साइज 3 गुना है तो एरिया कितना हुआ? 3 का स्क्वायर, जो कि 9 आता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 25^2/3। तो हमें इधर करीब 9 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो मेरे हाथों से तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें खली को बुलाना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने ये JCB भी बनाई है। इनपुट सिरिंज छोटी है और आउटपुट सिरिंज बड़ी है। नॉर्मली साइंस कॉम्पिटिशन में बच्चे जो JCB बनाते हैं उसमें दोनों जगह पर सेम सिरिंज का यूज़ कर देते हैं। अगर इधर बड़ी सिरिंज का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बड़ी सिरिंज लगा देते हैं, तो वो मशीन नहीं होगी। जिस सिरिंज से हम ऑपरेट कर रहे हैं वो सिरिंज छोटी है, और जो JCB में सिरिंज लगी है वो बड़ी है। तो इसको हमें पूरा मूव कराने के लिए छोटी वाली सिरिंज को बहुत बार आगे पीछे करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी छोटी से बड़ी सिरिंज में तो जाए, लेकिन वापस खींचे तो कहीं और से पानी सिरिंज में आए। इसके लिए हमने यहाँ पे 1-way valve का इस्तेमाल किया है, जिसमें पानी सिर्फ इस दिशा से इस दिशा में आ सकता है, लेकिन उल्टा नहीं जा सकता। हम जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स देखते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं।